देखिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का आपका WDV मेथड में ध्यान दीजिएगा, WDV मेथड की बात हो रही है। और WDV मेथड में आपका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि अगर आपको कह दे कि WDV मेथड में आप रेट कैलकुलेट करिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 - n पावर है ये आपकी, और स्क्रैप अपॉन कॉस्ट, और यहाँ इसके बाद इंटू 100। तो मान लेते हैं 1 - नंबर ऑफ ईयर है 10 और स्क्रैप है आपका 2 लाख, कॉस्ट है 20 लाख, यानी 20 लाख में 20 लाख की असर 10 साल बाद आपकी 2 लाख की हो गई, नंबर ऑफ ईयर 10 है तो उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। आंसर आपका ये आ रहा है, कैसे आया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप केवल इस वाली कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, 2 लाख अपॉन 20 लाख, दैट इज 0.10, इसका 12 बार आप रूट निकालेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, इसमें से माइनस करेंगे 1, अब आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, अब इंटू करेंगे 1 by n, तो नंबर ऑफ ईयर थे 10, तो ये आपकी वैल्यू आ गई ये वाली। अब उल्टा प्रोसेस चालू होगा, मतलब ये मिडिल वे है, दिस इज द मिडिल वे, यानी जो चीज आप पहले माइनस की थी अब वो चीज प्लस करो, ठीक है। जो चीज पहले 12 बार रूट निकाला था उसको 12 बार इंटू और इक्वल टू करो, यानी खुद से ही मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 0.794। ये अपनी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई, कौन सी, ये वाली, ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई, और ये पूरी कैलकुलेशन 1 में से माइनस होगी, तो देखो 1 में से ये पूरी कैलकुलेशन माइनस होगी, ये आ गया, और बाद में यही चीज इंटू 100 भी होगी, तो ये इंटू 100 आपने कर लिया, तो वैल्यू आ गई आपकी 20.56। इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन जो है वो आपकी इसके अंदर हो सकती है, ये चीज आपको जो है इस तरीके से आपकी याद रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये आती है फिर तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, देखें जरा इस क्वेश्चन को। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा कि कॉस्ट है 10,000, स्क्रैप है इतना, और 3 ईयर बीत चुके हैं, बताओ डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप एक के पास एक तरीका तो यह कि आप इतना बड़ा मेथड अपनाएं, ये पूरी कैलकुलेशन आप करें, वैसे कैलकुलेटर पे करनी है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो सीधी सी बात है आप क्या करो, चारों रेट चेक कर लो, चारों रेट ही चेक कर लो, क्या भाई आप पहले ना 7% को लो, मतलब 10,000 की असर पे 7-7% 3 बार डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, अगर ये 7768 की वैल्यू आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि अब आपको 6 की तरफ मूव होना है या 8 की तरफ मूव होना है, तो इससे आपको पता लग सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज कम्पेयर आसान होता है, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, तो आपको ये स्टेप जो है वो याद रखना ही पड़ेगा।